उन्होंने आप सब देख सकते हैं, मैं उस व्यक्ति से भी आप सबको रूबरू कराऊंगी। जो व्यक्ति पीड़ित है उसे न्याय नहीं मिल रहा है, और जब वहाँ पे उसको जानकारी मिला है कि जंतर मंतर पे भाई का मीटिंग रखा गया है, वहाँ भाई आएंगे तो यहाँ पे आए हैं अपना बात रखने के लिए, न्याय मांगने के लिए। क्या मोदी सरकार बढ़वा है? क्या मोदी सरकार अपने चमचे को बैठा रखा है? नहीं, शासन प्रशासन साथ देगा तो कहाँ जाएगा बताइए? चमार चमार कह रहे हैं, वोट लेना होता चमार को नहीं कहते हैं, चमार है, झूठ है, हम नहीं लेंगे वोट। आपको सरकार किसने बनाया? जनता ने बनाया है। जनता आपको सब कुछ दे रखती है, आप जनता को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम उसे सपोर्ट कीजिए। आप जो देश विदेश घूमते हैं, देश विदेश घूमने से आप जनता को अंधकार में डुबाने से पहले सोचिए कि आप एक दावा किए थे कि मैंने सबको साथ दूंगा, साथ लेके चलूंगा, तो क्यों जाति बात कर रहे हैं? मैं उस व्यक्ति श्रीराम की जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, पीड़ित है, गोली मारी गई है, और जो गोली मारे खुलेआम हूँ। जय भीम नमोदा। मैं राम कुमार चौधरी, जिला पंचायत सदस्य पन्ना, अखिल मध्य प्रदेश से। मुझे गोली मारी, मैं लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने गए, उसने मेरे साथ जानमाल हमला किया। मैं लगातार एक तारीख से कंप्लेंट देने आ रहा हूँ भाई लिखित में, जिससे सीओ के मिली भगत से इन्होंने विभागीय तालाब आरईएस के द्वारा हो रहा था, मगर दबंग गुंडों को इन्होंने किसी तरह ले दे के वो तालाब का निर्माण करवाया जेसीबी के द्वारा। उसकी मैंने आवाज़ उठाई, मैंने बोला कि भाई ये हमारे प्रदेश की जनता दिल्ली बम्बई आगरा जाती है प्लान के लिए, बहुएँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, शिक्षा का कोई स्रोत नहीं है, इनको रोजगार मिलना चाहिए यहाँ पे, और आप मजदूरों से काम होना चाहिए, तो बल्कि जेसीबी से जो आप करा रहे गलत है। इसकी आवाज़ उठाने पे ये मेरे पे लगातार 13 दिन का दबाव बनाते रहे। 14वें दिन मेरे घर आए, इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज मारपीट चलाई थी। उसके बाद 15वें दिन में जब 14 तारीख को रात को 9 बजे मैं चौकी जाता हूँ, मेरी FIR नहीं लिखी जाती रात के 12 बजे तक, एक जनप्रतिनिधि की एक सुनवाई नहीं होती तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। फिर अगले दिन मैं सुबह 9-10 के बीच में सिमरिया थाने के लिए जाता हूँ अपनी बिलेरो गाड़ी से, तो रास्ते में इन्होंने मेरे को रास्ते में रोक गाड़ी अपनी स्कॉर्पियो लगा के और रोका, और मेरे को लाठी डंडे से मार पिटाई की, तो मैं वहाँ से भागा, तो उन्होंने पीछे से गोलियाँ चलाई जिससे मेरे पैर में लगी गोली, दूसरी गोली ऊपर से निकल गई और ये मेरे को छोड़ के भाग गए, जिसके मेरा जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था, और इन्होंने मेरे को रेफर करके और यहाँ पे फर्जी तरीका से FIR हम पे और मेरे साथियों पे की जिन्होंने मेरी मदद की है। मैं आप सब देख सकते हैं कितने पीड़ित हैं ये, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप सब इनकी सुनवाई नहीं की, हम लोग जो शासन प्रशासन वो हाथ में ले लेंगे, बहुत जल्द आ रहे हैं हम लोग, जो बोलते हैं ना कि जनता ने तो टेढ़े सुनेंगे। अगर आप सब फायर कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप संविधान संविधान चिल्ला करके वोट लेते हैं और संविधान के विरुद्ध चलते हैं, चमार कह करके प्रताड़ित करते हैं, ये सही नहीं है। मैं यही कहूँगी मोदी सरकार से और जो भी उनके चमचे लोग हैं कि इन्हें सपोर्ट मिलनी चाहिए, और मैं अपने वीडियो ही एंड